अभी आप देख रहे हैं लहसुन की फसल को मंडियों के लिए तैयार करते कुछ लोगों को। इस बार इस मसाला फसल के अच्छे दाम मिलने से किसान बेहद उत्साहित है। पिछले साल जहां 25 रुपए प्रति किलो के आसपास इन दिनों यह फसल बिक रही थी, वहीं इस बार 70 रुपए किलो तक बिक रही है। और इस तरह से इस फसल को तैयार किया जाता है मंडियों के लिए। आमतौर पर मसाले और खाने में विभिन्न तरह से इस्तेमाल होने वाली लहसुन को आयुर्वेद में 100 बीमारियों की दवा बताया जाता है, और इससे दिल, जोड़ों का दर्द, पेट संबंधी बीमारियों के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो इस तरह से इस फसल की पैकिंग चल रही है, अभी बोरों में भरा जा रहा है इसे। और जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में होता है लहसुन का उत्पादन, तो इस तरह से पैक किया जाता है इस फसल को। अभी जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, लहसुन की बोरियाँ हैं इस जगह में रखी हुई, और हमें सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में लहसुन के खरीदार के पास मौजूद है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी व्यस्त है ये लोग अभी इसकी पैकिंग में। शाम होते होते काम लगभग पूरा किया जा चुका है। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, क्या चला हुआ समय जो रेट हो गया है इसके। अभी क्या रेट चला हुआ जी? 70-80 के आसपास है नहीं? जो अच्छा है एक रेट का, नहीं एक रेट का चला है जी 85-80। अच्छा 85 तक है। और पिछले साल क्या होगा लगभग इस टाइम में? पिछले साल लगभग बहुत मंदा रहा जी, 45-50 तक, 60 तक ज्यादा से ज्यादा, 80 है ना जी एवरेज है। पैकिंग के बाद अब ये मंडियों में जाएगा, ले जाएंगे यहाँ से बड़े। तो इस तरह से पैक किया जाता है इस फसल को। देश के विभिन्न हिस्सों में हालांकि इससे भी ज़्यादा कीमत पर बिक रही है फसल, मगर जिन क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है वहाँ इसकी कीमत 70 रुपए के आसपास है। इस बार काफ़ी उत्साहित है किसान, क्योंकि उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं लहसुन के। और ये तैयार की जा चुकी है इसकी बोरियाँ, मंडियों में देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए।